मार्च 2023 का मेरा पहला रिव्यू है और वो जिस राइफल का मैं करूंगा वो है सीजेड ब्रांड 2 मेड इन चेक रिपब्लिक। और मेरी हॉट फेवरेट राइफल थी ये, बहुत अरसे से मैं इसको परचेज करने में लगा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको 2 दिन पहले परचेज किया है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और इसका एक रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। तो बॉक्स ये आता है कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर, बड़ा बड़ा इस पे सीजी ऊपर आप देख सकते हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, साथ जो बुकलेट्स आती हैं और राइफल आप देख सकते हैं, एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का राइफल है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये राइफल विदाउट स्टॉक आती है, तो मैंने इसका स्टॉक लगाया है अलग से। इसमें ये यहाँ पे अडाप्टर लगा हुआ था, तो ये अडाप्टर निकाल के यहाँ पे स्टॉक लगा है। राइफल का सबसे पहले हम करेंगे सेफ्टी चेक, ऑल्दो ये ब्रांड न्यू राइफल है। इसके साथ 2 मैगजीन आते हैं, 30 राउंड के 2 मैगजीन आते हैं, मैगजीन एम्प्टी हैं। पहले हम सेफ्टी चेक कर लें, चैम्बर क्लीन है इसका और बहुत ही सॉफ्ट ट्रिगर है। राइफल हमारी क्लियर हो गई है, एम्प्टी राइफल है। सो व्यूअर्स, राइफल के साथ आते हैं 2 मैगजीन्स और एक क्लीनिंग किट आती है। क्लीनिंग किट के अंदर हम देख सकते हैं ये ऑयल, इसकी ग्रीस है और कुछ इसके पार्ट्स हैं जो रॉड वगैरह में लगते हैं। इसका ब्रश है और इसका जो पुल वायर है बैरल क्लीन करने के लिए। तो व्यूअर्स, प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं मार्केट के अंदर, प्राइसेस काफ़ी ऊपर स्पीड से जा रही हैं। तो ये राइफल इसकी जो 15 फरवरी के बाद से लेके जो प्राइस है आजकल मार्केट में वो 13 लाख रुपए की प्राइस है ये, और सीजेड मेड इन चेक रिपब्लिक है, 13 लाख रुपए इसकी मार्केट प्राइस है। तो आइए अब हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत राइफल है सीजेड ब्रांड 2 और दिस इज मेड इन चेक रिपब्लिक। राइफल सिर्फ देखने में खूबसूरत ही नहीं है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही सुपर मिल स्पेक्स के ऊपर ये कंस्ट्रक्ट की गई है राइफल। और लाइट वेट है इसका, जो वेट है दैट इज 3 kg। और इसके स्पेक्स हम डिस्कस करते हैं, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 29 इंचेस है और अगर हम स्टॉक जो फोल्ड कर देते हैं, ये फोल्डेबल स्टॉक है, स्टॉक फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ बनती है वो 19.9, तो आप 20 इंचेस कह सकते हैं कि 20 इंचेस इसकी लेंथ है। इसकी जो सीजेड ब्रांड 2 में जो खसूसियात हैं, इसकी जो अपर रिसीवर है ये एयरक्राफ्ट ग्रेड का सिंगल ब्लॉक जो है 7075T6 एल्यूमिनियम एलॉय से ये बना हुआ है, पूरा सिंगल ब्लॉक का ये अपर रिसीवर इसका जो बना हुआ है। और इसका जो लोअर है वो कार्बन फाइबर जो है उससे बना हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी लाइट है ये, और रीइंफोर्स्ड पॉलीमर कार्बन फाइबर का ये है। इसी तरह जो इसका स्टॉक है वो भी रीइंफोर्स्ड पॉलीमर का है विद शॉक एब्जॉर्बर रबर का लगा हुआ है इधर। सो वे इसके जो कंट्रोल्स हैं वो टोटली एम्बिडेक्स्ट्रस हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि इसका जो मैगजीन रिलीज बटन है वो राइट साइड पर भी है और उसके बाद इसका मैगजीन रिलीज बटन यहाँ लेफ्ट साइड पर भी दिया हुआ है। इसी तरीके से जो बोल्ट रिलीज है, बोल्ट रिलीज एक यहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये, और इसी तरीके से बोल्ट रिलीज ट्रिगर के आगे यहां हम देख सकते हैं स्क्रीन पे थोड़ा फोकस करके कि यहां पर भी इसका बटन दिया हुआ है जो कि इसका बोल्ट रिलीज करता है। इसी तरह इसके अंदर आप देखें चार्जिंग हैंडल जो है वो एक ही स्टाइल का है, बहुत ही इजी कंट्रोल्स में दिया हुआ है। ये भी ये जो है स्वैप कर सकते हैं, ये इस वक्त लेफ्ट साइड पे है और ये इसको हम राइट साइड पे कर सकते हैं। इसकी सेफ्टी यहाँ पर दी हुई है, ये भी ऑपरेट होगी यहाँ से और जब हम लॉक कर देंगे तो ये लॉक हो जाता है इसका। सो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं जिस फ्रंट से जो इसका लगा हुआ है फ्लैश हाइडर,
ये स्पाइरल फ्लैश हाइडर है, बहुत ही टॉप उसके क्वालिटी बाद का। यहाँ पे 3 स्टेज गैस ट्यूब रेगुलेटर दिया हुआ है, यहाँ से आप प्रेस करके ये देखें, यहाँ पे 3 स्टेज गैस रेगुलेटर है इसका, और जब आगे यहाँ पे इसी स्पाइरल के साथ सप्रेसर लग जाता है अगर आप किसी कोई लगाना चाहे तो, और सप्रेसर के बाद ये जो गैस पोर्ट को ये सील कर देता है, इसकी जो थर्ड सेटिंग है वो गैस पोर्ट को सील कर देती है। अपर रेल कंप्लीट, इस पे आप देख सकते हैं, इस पे आपने तो वो लगानी है अपनी, रेड डॉट लगानी है, ट्रेजिकॉन लगाना है, स्कोप लगानी है, तो इस पे रेल दी हुई है, नीचे रेल स्लाइड दी हुई है, आप टॉर्च लगा सकते हैं, फ्लैश हाइडर लगा सकते हैं। फिर इसकी जो आयरन साइट्स हैं, फोल्डेबल आयरन साइट्स हैं, एडजस्टेबल फोल्डेबल आयरन साइट्स फ्रंट और बैक पर, ये आयरन साइट्स हैं, और ये बटन दबा के, यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करते हैं तो ये फोल्ड हो जाती है। इसके बाद स्लिंग की माउंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट पे लेफ्ट पर भी दी हुई है और राइट पर भी दी हुई है। इसके बाद यहाँ पे स्लिंग के लिए माउंट दिया हुआ है, ये स्वैप हो जाता है, बटन दबा के इसको, ये लेफ्ट पे लगा हुआ है, राइट पे लगाना चाहें आप राइट पे लगा दें, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फिर स्टॉक में भी यहाँ पे आप देखें माउंट दिया हुआ है राइट और लेफ्ट इसके लगाने के लिए। बहुत ही लाइट वेट वेपन है, इसको स्क्रीन में देखें आप तो ये CZ ब्रांड 2 और मेड इन चेक रिपब्लिक। राइफल की फील बहुत अच्छी है, मैगजीन आप 30 राउंड्स के इसके मैगजीन आते हैं, बहुत ही खूबसूरत और रोबस्ट राइफल है, बहुत सॉलिड राइफल है ये। इसका जो कैलिबर है वो 5.56 है, 2-3 भी आप फायर कर सकते हैं और 5.56 भी इस पे फायर कर सकते हैं आप, और इसका जो बैरल का रेशियो है वो 1:7 है, ट्विस्ट रेशियो जो है वो 1:7 है। अब चलते हैं इसके ट्रिगर की तरफ, इसका जो ट्रिगर पुल वेट है फैक्ट्री का वो है 3.5 पाउंड्स का, तो अब हम इसको अपने टूल से चेक करते हैं कि इसका ट्रिगर पुल वेट कितना आता है। फिर इसकी रीडिंग आई 3.6, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री क्लेम करती है 3.5 का, तो इसका जो एवरेज आया है वो 3.6 आया है। थ्री पॉइंट फाइव 3.59 3.5, तो इसका एवरेज है हमारे पास 3.5, हमने 3 रीडिंग लिए, 3.5 3.5 और 3.6 आई है। सो जो फैक्ट्री क्लेम करती है वही इसका ट्रिगर पुल वेट, डिवाइस ने भी बताया कि 3.5 इसका ट्रिगर पुल वेट है। तो ट्रिगर भी हम देखते हैं, ट्रिगर में एक फर्स्ट पुल है, 2 स्टेज ट्रिगर है इसका, फर्स्ट पुल है इसके अंदर और बहुत ही क्रिस्प इसका ट्रिगर है। दोबारा से हम चेक करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर 2 स्टेज ट्रिगर इंस्टॉल्ड है फैक्ट्री फिटेड, ये फर्स्ट पुल है, फर्स्ट पुल के बाद बहुत ही क्लियर इसकी जो वॉल ब्रेक होती है, क्रिस्प ट्रिगर है इसका, वेरी सॉफ्ट ट्रिगर है। 3.5 फॉर राइफल, आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ट्रिगर है, बहुत कंफर्टेबल है। अब हम देखते हैं इसकी ग्रिप, जो पिस्टल ग्रिप है बहुत ही कंफर्टेबल है, और जो टेक्सचर है वो आपकी ग्रिप को बड़ा फर्मली होल्ड करता है, बहुत कंफर्टेबल है। और हम देखते हैं तो अच्छा, बैक स्टेप्स भी इसके चेंज होते हैं आपके, डिपेंडिंग ऑन द पाम साइज, आपके ट्रिगर पे, आपने अगर जिस लेवल पे भी कंफर्ट लाना है तो ये बैक स्टेप्स का चेंज होता है। और इसमें यहाँ पे एक कंपार्टमेंट भी है,
कुछ आपने रखना है या कोई चीज़ सिक्योर करनी है, कोई तावीज़ रखना है तो उसके लिए। तो ये इसकी राइट साइड का लुक है, बहुत ही सॉलिड राइफल है, बहुत ही खूबसूरत राइफल है। और ये इसकी लेफ्ट साइड का लुक है जो आप देख सकते हैं। स्टॉक इसका एडजस्टेबल है, थ्री पोजीशन स्टॉक इसका एडजस्ट होता है, ये फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होके यहाँ पे लॉक हो जाता है, फिर आपको ज़रा सा पुश करेंगे तो ये स्टॉक जो है इसका ओपन हो जाता है। फिर इसका थ्री स्टेज है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थ्री स्टेज का जो स्टॉक की एडजस्टमेंट है। सो व्यूअर्स, आपने राइफल देखी, सीजेड ब्रांड 2, मेड इन चेक रिपब्लिक, बहुत ही सॉलिड लाइट वेट राइफल है ये। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है, इसको रेंज पे जाके भी टेस्ट करेंगे, सो फिर वो भी आपसे टेस्ट शेयर करेंगे रिजल्ट्स उसके। लेकिन वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, मुझे तो बहुत ही इस राइफल से, इसकी फील से, इसकी बिल्ड क्वालिटी से मज़ा आया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आया होगा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ से नो टू एरियल फायरिंग। मेरा हमेशा का ये है कि एरियल फायरिंग को अवॉइड करें, रेंज पे जाएं, रेंज मेंबरशिप अवेलेबल हैं, रेंज पे जाके शूटिंग करें, शूटिंग फॉर स्पोर्ट्स, किसी की तरफ कभी गन एम ना करें। सो दिस इज इट व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।